जब सबसे कह दई थी फिर भी लेट, टाइम पे आवे की तो आदत ही नहीं है। अरे सर कैसी बातें कर रहे, हम तो सबसे पहले आ गए। तुम तो आ गए मनो, आशीष कहाँ है? काय आशीष? सर तनक रुको भैंस के बात है। नमस्कार बहनों भाइयों, एक बार फिर आपका अपना विराज तिवारी ट्रिपल बुंदेलखंड से एक बार आप उनके बीच में फिर से हाजिर है, यानी उपस्थित है। आज बुंदेली बतकाओ में स्पेशली हमारे गेस्ट हैं आशीष उपाध्याय के छोटे भाई बिहारी भैया। बिहारी भैया नमस्कार, स्वागत है आपको हमारे चैनल पे। कैसे हो भैया? नमस्कार भैया, बहुत बढ़िया, बस अभी खेत पे से आए थे। हाँ, एक वीडियो की एडिटिंग भी चल रही है, बाकी फिर अपन ने सोची थोड़ी सी बातचीत भी कर ली जाए आपसे। तो आप बताओ कैसे हो बिहारी भैया? आपको नाम बिहारी ही है कि बिहारी उपाध्याय? क्या है आपका पूरा नाम? माओ नाम बिहारी उपाध्याय है, जो भगवान के ऊपर से रखता हूँ तो दादाजी ने, तो जब से वही चल रहा है। और बहुत से जने जा समझते हैं कि हमाओ बिहारी मतलब बिहार के हैं, तो कई कमेंट भी आते हैं कि भैया आप बिहारी लिखत हो, हैशटैग भी लगाते हो, लेकिन आप बिहार के हो नहीं, बिहार या तो बुंदेली भाषा है। हमने भैया हमारा नाम बिहारी है तो बिहारी उपाध्याय नाम है हमारा। बिहारी भैया 2020 बड़ा मुश्किल भरा समय निकला है, तो क्या ट्रिपल बुंदेलखंड की टीम जानना चाहती कि बिहारी भैया का 2020 कैसा निकला, कैसा करो 2020? देखो परेशानी है तो ऐसी रहते हैं कि आता ही रहते हैं, बाकी 2020 में बहुत ज़्यादा परेशानी आई अपने देश के लाने और अपने आसपास देख वे भी मिलो तो बहुत सी समस्याएं गई, लेकिन यही 2020 के चलते हमें जो सौभाग्य मिलो बुंदेली माटी को एक गौरव प्रदान करवे को, तो शायद हम 2020 के लाने हम तो लकी समझते हैं हमारे लाने, मतलब हमारे लाने तो शुभ भाव है, बाकी जो रोग बीमारी जे ज़्यादा फैली है तो थोड़ा सा बेकार जैसे गो। हाँ बाकी कोरोना वगैरह वगैरह चीजें आई अब, लेकिन देखने में आ रहा है बहुत कम सी हो गई है शायद। कहीं नहीं, शासन प्रशासन उसकी बराबर व्यवस्थाएं कर रहा है, कहीं ना कहीं 2021 मुझे लगता है एक उगते हुए सूरज की तरह रहेगा जो 2021 आएगा हमारे लिए। 2021 में क्या कामना करते हो भगवान से और हमारे दर्शकों को कि 2021 कैसा रहे सभी का? भैया हम तो यही चाहते हैं सबको 2021 बिल्कुल एक जैसी आपने बोली ना उगते सूरज के घाई, तो मतलब जिस सब चीजें दूर हो जाए, जो अपनी व्यवस्था आर्थिक व्यवस्था सब अस्त व्यस्त हो गई थी, सबके काम धंधे सभी लोग परेशान हो गए थे, चाहे किसान से लेके मजदूर से लेके हर कोई, तो अब आशा करते हैं कि 2021 जो पिछले साल की रिकवरी है माने वो पूर्ति है वो 2021 कर देगा 2020 की बदौलत, तो ऐसी भगवान से आशा करते हैं। क्या है अब बिहारी भैया आपके सब्जेक्ट पर हम आते हैं? हाँ? कैसे सुमात के आपके सब्जेक्ट पर हम आते हैं, क्या है ये, क्या है ये विधा है लोगों को हंसाने की? हर किसी के पास ये नहीं होती है जो आपके पूरी टीम के पास है, बिहारी भाई आशीष छोटू, आज बुंदेलखंड में नहीं पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, आज इनको पूरे देश में जाना जाता है, और आपने वो कर दिखाया इस बुंदेली भाषा को लेके, इस बुंदेली माटी को लेके, कि शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक अच्छी पहचान आपने बुंदेलखंड को दिलाने की कोशिश की है, तो कहाँ से आपकी शुरुआत हुई इस, क्या ऐसो मन में दिमाग में कैसो आओ के जो तन से शुरुआत करें आप जी से ऐसो हो जाए है? देखो पहले तो ऐसा तो कि पूरा जो फोकस है तो वो पढ़ाई के ऊपर है, तो बहुत मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे थे और तैयारी भी चल रही थी जॉब की, आशीष भैया की भी चल रही थी, हमारी भी चल रही थी, लेकिन थोड़ा तेज बोलो। देखो ऐसा है कि पहले तो पढ़ाई में लगे थे और पढ़ाई यही चल रही थी, मेन आधार तो पढ़ाई लिखाई है, तो नौकरी की तलाशी में फिर रहे थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो उनको जो रास्ते पे जाना पड़ा था वो अपने आप आ जाते हैं, और कहाँ से आ गए जो हमें भी पता नहीं है, लेकिन हाँ मेहनत हमारी रही और सपोर्ट सब बुंदेलखंड वासियों को और भी जो हैंगे जैसी आपने बोली, तो सबको सपोर्ट मिलो, फिर धीरे धीरे करके पहले तो देखो पढ़ाई पे वीडियो बनाए थे आशीष भैया ने यूट्यूब पर, फिर उसके बाद टिकटॉक पे
बनाए। आशीष हमें लगा था कोरोना सबरे त्योहार मनाई के ये दीवारी को भग जाए ठटर यहाँ भैया गले से तो भग जाए। अब फिर टिकटॉक पे जहाँ बुंदेलखंडी में वीडियो बना वो शुरू करे धीरे धीरे, तो बुंदेलखंड वासियों को सपोर्ट मिलत रहो और अपन मेहनत करत रहे तो आज वो मेहनत रंग दिखा गई। सबसे पहला वीडियो बहुत अच्छा लगा था, जब हमारी वीडियो देख के कोई हंस जात ये मुस्कान आ जात चेहरा पे तो हम जानते हैं कि इससे बड़ा पुण्य और शायद कुछ नहीं है। नहीं सही बात है, एक हमारे रिलेशन में हमारी आंटी है उनको कैंसर हुआ है और अगर वो हंसती है मुस्कुराती है तो आप लोगों के वीडियो देख के हमें। अच्छा एक सच्ची घटना बताएं, एक लड़की हती जबलपुर साइड की, उनके पिताजी के लाने लगवा लगो तो वे मुस्कुरा नहीं पा रहे थे। अच्छा उनको वीडियो दिखाई तो ऐसा नहीं, 2-4 हफ्ता के बाद उनके चेहरा पर अच्छी मुस्कान आई थी वीडियो देख के। अब वो उनको जहाँ भी आई हुई तो हमें सुन के अचरज टाइप को लगो, मतलब के संभव चीज चाहती थी। लेकिन जब उन वो लड़की से हमने लाइव में जुड़ के बात करी तो इंस्टाग्राम पे लाइव आते तो होते सबसे बात हो जाता अपनी, तो बात करी जब उनने हमें बताई तो होते हमें लगा था कि हाँ हम कछु कर रहे हैं और सब जनों को इतना प्यार मिल रहा है तो बस यही से लगे रहे काम में। तो मैं क्या मानूं कि आजकल ऐसा नहीं है कि लड़के ही फैन है, कुछ लड़कियां भी बिहारी भैया की फैन है, परेशान करती है आपको? नहीं देखो वो परेशान एक प्रकार से तंग पर वो ऐसा है कि जैसे माँ के लाने बच्चा तंग करत है तो ऐसा लगत है हमारे लाने। बाकी देखो ऐसा रही थे कि हमारा जैसे नंबर वगैरह है तो वो बहुत जगह बट जाते है या देने भी परत है, कहे अब जो इतने दूर दूर से लोग आते हैं तो हम उनके लाने नंबर भी देते हैं। बाकी इंस्टा पे भी बात करते हैं, जैसे 26,000 इंस्टा पे फॉलोअर हो गए हैं तो उनसे भी बात करने पड़ते तो सबसे बात भी करत रहे थे। और फिर ऐसा रहे थे कि अभी जगह पे हैं तो थोड़ा सा देखने भी पड़ते हैं, बाकी बातचीत सबसे होते रहे थे, कोई ऐसा नहीं है अपन को कि ज्यादा परेशान करे, समझा के बोल देते या प्रेम की भाषा से बोल देते हैं तो भाई लोग हमारे ऐसे हैं कि वे समझ जाते हैं कि हमारी व्यस्तता कैसी है और कैसा है। जी 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 जरूर। बिहारी भाई पहली बार कब ऐसा एहसास हुआ कि हमारा वीडियो वायरल हुआ और हमको कहीं ना कहीं ये लोगों के दिलों में जगह मिली? देखो ऐसा है कि जब हम लोगों ने वीडियो बनावो शुरू करे तो बीगो वीडियो से बनावो शुरू करे थे वीडियो शॉर्ट वाले। अरे यार बिहारी एक बात समझ में नहीं आ रही। का अमेरिका के राष्ट्रपति आए हैं डोनाल्ड ट्रम्प, तो उन पे नजर रखने के लिए 20,000 CCTV कैमरा लगाए हैं। ये तो बड़ो आदमी यार भले आई तो करे नहीं। तो एक बहुत आशीष भैया को जो खतो हम साथ में रहते के डोनाल्ड ट्रम्प वालों के यार डोनाल्ड ट्रम्प जी आए हैं तो उनके स्वागत में 20,000 CCTV कैमरा लगाए गए। अब इतो बड़ो आदमी भले आई तो करे नहीं, की समस्या को लेके भी बनाओ तो थोड़ी से हमारो के वीडियो ऐसे रहते हैं कॉमिक भी रहते हैं और उनसे एक ने कछु सीख जरूर निकला। और ऐसे स्क्रिप्ट वगैरह का है आशीष भैया लिखत हैं तो वे जय सोच के लिखत हैं कि बिल्कुल एकदम बिंदास चीज। नहीं मैंने आशीष की स्क्रिप्टों में ये भी देखा है कहीं कहीं कि वो इस बात को ध्यान में देता है कि जरूरी नहीं कि वो मेरे लिए, अगर मेरे ऊपर भी कोई कॉमेडी आती तो चलती। जैसे आशीष का एक वीडियो था कि मेरे पास में एक लड़की के पिता का फोन आया झांसी से, तो उसने बोला कि आशीष के डायलॉग तो पसंद है लेकिन उनकी शकल पसंद नहीं आई तुम्हें। तो ये भी काफी प्रचलित हुआ था और मैंने शायद सबसे पहला वीडियो यही वाला आशीष का देखा था। अच्छा अच्छा हाँ भैया ऐसे रहते कछु रियलिटी से उठा के भी पटक देते और उनके लाने जो कमो नहीं लगा के जो हमारी कॉमेडी हो रही या हमारी बेइज्जती टाइप जो सब तो लगता ही नहीं है। वो बस सबको हंसावे को प्रयास कैसे हो सका थे जहाँ तक हमारे जय सोचत है वो कंटेंट भी ऐसा लिखा थे और जय आशा रहे थे कि हमारो की के चार जने बैठ के देख सके, चाहे वे घर परिवार में हो चाहे गली मोहल्ला में हो चाहे कहूँ के चौपाल पर बैठ के देखे, तो कंटेंट भी यही हिसाब को रहते है। बलगर्टी और गाली गलौज बहुत रहता ही नहीं है, मतलब चलत है नमक मिर्ची बराबर। सुबह छोटे बच्चा वगैरह देते जैसे आपने बुंदेलखंड में छोटी छोटी सी रेत माताएं के तेरी ठटरी वगैरह जे जे गलत है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा बिहारी भाई कि एक आपका वीडियो आया था जिसमें लड़की ने आपको भैया बोल दिया था, बड़ी तकलीफ भई थी बिहारी भैया पर है साफ साफ बता का भाव। 2 महीना में तो आज कॉलेज गए थे
उदय मोड़ी मिली तो सुधार गई उज्जे तुम्हारी लपर आवे की आते हैं सुधार गई उज्जे। अरे सुधार नहीं गई यार, भैया कह गई। अब देखो वही तो है कि आप लोगों को हंसावे के लाने कहां से दिमाग लगा के भैया ने स्क्रिप्ट लिखी और वो के बाद तैयारी करके और हमने वीडियो बनाई, तो वो को भी सेंस जो ही है तो कि मतलब जो कॉलेज वगैरह में ऐसा होते रहे थे, अब जो एज में है अपन तो वो हिसाब से हंसावे के लाने तरह तरह की वीडियो आ रही है। अभी एक और बनाई है तो एक नई आवे वाली है, हंसरई के ऊपर ही से है, रियलिटी से जुड़ी भाई, मतलब सच्चाई से जुड़ी भाई वीडियो एक आज डलवे वाली। हसरई का आपने नाम लिया, कहाँ आता है हसरई, कहाँ पड़ता है हसरई? जो हसरई भज्जा अपनो सागर से 20 किलोमीटर दूर भोपाल रोड पे आओ अपन, और उसे भोपाल रोड से 1 किलोमीटर दक्षिण में है। दक्षिण में मतलब सीहोर और विदिशा वाले हाईवे, विदिशा वाले हाईवे पर। हाँ, सांची टू विदिशा या भोपाल टू सागर है वो जो सांची टू विदिशा है। हाँ, वो सागर टू भोपाल रोड पे ओके, राहतगढ़ से और सागर के बीच ही में पड़ा था अपने 1 किलोमीटर दक्षिण में हसरई गाँव। और कबंग कबंग तो हमें जो भी लगा लगा थे कि हमारे गांव को नाम हसरई काय रखोगे, तो फिर बाद में पता चला थे कि शायद हम आप सब के लाने हसारा है, इसे हमारे गांव को नाम भी हसरई पड़ गया। जी जरूर। सबसे बड़ा क्या है अब जो गोबर था वो गोबर मिल गया पूरा के नहीं मिला अभी तक? जो छोटू गोबर ढूंढ रहा था वो गोबर मिल गया पूरा के नहीं मिला अभी? अच्छा, हॉरर कॉमेडी एक वीडियो आई थी, हॉरर कॉमेडी की बात कर रहा हूँ, रक्षा वाली वीडियो। हाँ, अरे वो गोबर उबर तो सब मिल गया है को। वो के लाने बता दो तो एक डर छुटावे के लाने के भड़िया एक दूसरो आदमी कर रहा था, और इसे एक जो सीख भी दी थी के जो गाये पालतू जानवर ऐसे फिर रहे हैं तो उनको बांध के भी अपन लाभ कमा सकते हैं। वाकई में गोबर के इतने सारे प्रयोग हैं, और उसे लेके जो अपनी गऊ माता फिर रही हैं वो को भी कहूं ना कहूं दिमाग में आदमी की बात एक चली जाए, तो जब कॉमेडी की तरफ से एक सीख कहीं ना कहीं देवे की प्रयास में हम रहे थे। नहीं, कहीं आपने कोविड पे भी आपने वीडियो बनाया, गऊ रक्षा पे भी आपके एक दो वीडियो थे, आपके अलग अलग विधा और अलग अलग विषयों पे आपके वीडियो होते हैं, इसमें किसी प्रकार से कोई वाली बात नहीं है। आप हर मुमकिन जो प्रयास वो करते हैं बुंदेली अपनी आवाज को, बुंदेली कल्चर को, बुंदेली भाषा को हर जगह पहुंचाने की कोशिश करते हैं आशीष भाई, इसी बुंदेली माटी के एक सपूत हुए हैं और वो आज हमारे बीच में नहीं रहे, देशराज पटेरिया जी। देशराज पटेरिया जी ने काफी कुछ बुंदेली कलाकारों के लिए या एक नई प्रेरणा के स्रोत हमारे लिए, हम सब की प्रेरणा के स्रोत है, तो हम लोगों ने एक मुहिम चलाई है उसमें कि देशराज पटेरिया जी को पद्मश्री से सम्मानित किया जाए, तो इसमें आपका क्या मानना है? देखो भैया, ऐसा है कि बे बुंदेली ये धरती के एक हीरा थे, तो उनके लाने हमारी तरफ से तो मिलो ही चाहिए, कैसे उनको एक बुंदेली भाषा, उनने एक बुंदेली भाषा के लाने एक मंच प्रदान करो, सबसे बड़ा मंच दो, और वे देश और विदेश में भी उनके जो संगीत है, संगीत की विधा से हटे वे तो उनके भी संगीत चले हैं, तो हमारे के वो भी जो ही है कि हाँ मिलो चाहिए, बिल्कुल मिलो चाहिए। आशीष भाई, हमारे बुंदेलखंड ट्रिपल के कुछ दर्शकों के लिए स्पेशली कुछ एक दो जो आपके अच्छे डायलॉग्स हैं या जो कुछ अच्छे आपके जो आपके मन में हो, कुछ ऐसा हमारे दर्शकों को बता सकते हैं, सुना सकते हैं, कुछ गुदगुदा सकते हैं अभी लाइव? बिल्कुल सुना सकते हैं। एक डायलॉग यानी एक जोक है तो कि जोन आदमी सर उठा के चलत है उनको जमीन में डरे पैसा नहीं मिला, बात खत्म। तो अभी आपके गोलू भाई मतलब छोटू भैया हाँ, आपके भाई सगे छोटे भाई हैं आपके, कि आपके परिवार सब एक साथ एक गांव के लोग हैं आप? देखो ऐसा रहते है कि गांव में जितने जने रहते हैं जो इच्छुक रहते हैं उनको भी ले लेते हैं, बाकी आशीष भैया और बिट्टू चाचा के लड़का, हमारे बड़े पापा के लड़का है और हम उनके चाचा भी। आप उनके चाचा लगते हैं?
नहीं नहीं चाचा के लड़का है, हम लोग भाई भाई जैसे ही है, मतलब परिवार है, बड़ा परिवार है, तो उनमें तो बड़े पापा के लड़का भी। नहीं नहीं, जो आप लोगों के जो प्रोग्राम होते हैं, आप लोगों के जो प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, ऐसा लगता है सब आपस में एक साथ जुड़ के बड़े मजबूती से काम करते हो और अच्छा लगता है देख के दर्शकों को। बिल्कुल बिल्कुल, दर्शकों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? देखो भैया ऐसा रहते है कि हम लोगों में कबों भी कछु चीज रहता ही नहीं है, एकदम भाई भाई की तरह। और एक जो बोलत है ना कि अगर एक बीड़ी हो जाए, एक बीड़ी हो तो टूट जात, अगर बीड़ी को बिंडल हो तो नहीं टूटत। तो एक जो जोक भी बना तो कैसे के संगठन में शक्ति होते है, वो उदाहरण है जो कि एक बीड़ी हो तो टूट जात और अगर बिंडल हो तो नहीं टूटत। तो कोनो भी काम है संगठित होके जुड़ के कोई काम करो जाए इकट्ठे होके, तो उमें एकता में बल रहे थे, तो वो बल दिखाते कहीं ना कहीं। तो हमारे सबसे के वो जो ही है, चाहे अपनो घर हो, चाहे अपनो परिवार हो, चाहे अपने स्कूल हो, सबसे मित्रवत व्यवहार करो, और इतने तक कि सभी जीवधारियों से भी मित्रवत व्यवहार करो, और अहिंसा परमो धर्म को पालन जरूर करो। बिहारी जी, बुंदेलखंड ट्रुपल से और बुंदेलखंड के दर्शकों से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बुंदेली बतकाओ में आज के हमारे गेस्ट बिहारी भैया। बिहारी भैया बहुत बहुत धन्यवाद। बुंदेलखंड ट्रुपल से मैं विराज तिवारी, धन्यवाद। कुछ बोलना चाह रहे थे आप? हाँ हाँ, बस सबसे यही बोलना चाहते हैं कि आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं भी देखे हो या देखे हो तो आप जाके जरूर देखो इंस्टा पे और यूट्यूब पे, और भैया के चैनल के लाने भी सब्सक्राइब जरूर करो। बुंदेली ट्रुपल चैनल का नाम बता दीजिए हमारे दर्शक के चैनल पर। अच्छा, हमारे चैनल को नाम है बिहारी उपाध्याय और आशीष उपाध्याय, दो चैनल है, एक में ब्लॉग और शॉर्ट स्टोरी डालते हैं और एक में मेन स्टोरी डालते हैं आशीष भैया वाली। और इंस्टा पे आईडी है बिहारी उपाध्याय 56 और आशीष भैया की आशीष उपाध्याय 07, तो नाम ही से बने हैं। बाकी बुंदेलखंडी ट्रुपल के लाने भी सब्सक्राइब कर लो, आप सभी से यही आशा है, और बाकी मिलाते रहे। तो जय बुंदेलखंड, जय भारत। ये थे बुंदेली बतकाओ में आज के दिन हमारे गेस्ट बिहारी भैया। बिहारी भैया, बात करने के लिए बुंदेलखंड ट्रुपल से बहुत बहुत धन्यवाद।